अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमती भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्री श्रीमद भक्त निकेतन तूर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से आज के इस संध्याकालीन हरिकीर्तन को करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। महज्जनों के कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति इस तमोमयी जगत से निवृत्त नहीं हो सकता है। जहां पर भोग की प्राबल्यता है वहां पर तमोगुण का भी प्राबल्यता सर्वाधिक होता है। भोग ही व्यक्ति को तामसिक बना देता है, भोग प्रवृत्ति व्यक्ति को तामसिक बना देता है। इसीलिए जो उत्तम व्यक्तित्व है उनका कृपा हम लोगों को उस तमोमय अवस्था से ऊपर लेकर के आता है। इसीलिए बतलाया शास्त्र ने कि हमेशा महज्जनों का स्मरण अपने जीवन में बना करके रखो, उनको कभी भी भूलना नहीं। दुनिया को भूल जाना है लेकिन सत्पुरुषों को महान भावों को और कहें तो भगवान के भक्तों को कभी भी भूलना नहीं। उनकी स्मृति हम लोगों को संसार से निकालने का संबल बन जाता है। इतना ही नहीं, हम लोगों को अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान भी प्रदान करता है। इतना ही नहीं, हमारे जीवन के अंदर भगवत उपलब्धि भी कराता है। वो व्यक्ति को जीवन में भगवान आ जाते हैं। नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशते हृदि, समय नहीं लेंगे लेकिन भगवान जाकर उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाएंगे। कौन सा भक्त जो कि नित्य निरंतर भगवान और भगवान के भक्तों की लीला चर्चा में ही निमग्न रहता है। आज बड़े ही विशेष तिथि है। आज के तिथि को
स्वीकार करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के धारा में आए हुए एक महान आचार्य यहां तक दो आचार्यों का, गुरुजनों का, एक का इस संसार में आविर्भाव, दूसरे का इस संसार से तिरुभाव लीला घटित हुआ है। श्रीनिवास आचार्य नाम के एक महान आचार्य श्रीधाम वृंदावन में वास किया करते थे। उनके प्रियतम शिष्य श्री रामचंद्र कविराज जिनका नाम है, उनका आज इस संसार को त्याग करने का दिन है, अप्रकट हुए हैं। और वही श्री चैतन्य महाप्रभु के धारा के आए हुए एक महान आचार्य जो कि वृंदावन के जो विख्यात छह गोस्वामियों के अंतर्गत एक गोस्वामी जिनका नाम है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, आज उनका तिरुभाव तिथि है। दोनों का आज उनका आविर्भाव तिथि है। आविर्भाव मतलब अवतरण और तिरुभाव मतलब है यहां से वापस चले जाना। गोपाल भट्ट गोस्वामी उनका आज आविर्भाव तिथि है। ये वृंदावन के महान संत हुए हैं, उनमें से ये दोनों विशेष हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ के हैं? बोलते हैं द्रविड़ देश के हैं, कर्नाटक के हैं। तमिलनाडु में श्रीरंग क्षेत्र है जहां रंगनाथ जी का मंदिर, वही उसी रंगनाथ जी के जो सेवक गण हैं उनमें से एक विशेष सेवक रहे हैं जिनका नाम है श्री वेंकट भट्ट। उनके घर में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव हुआ। दक्षिण देश के अंदर श्री वैष्णव संप्रदाय में उनका जन्म हुआ है, उनका प्रकट्य हुआ है। वो लोग रंगनाथ जी का सेवा करते थे रंगनाथ जी के मंदिर के अंदर, उनके पिताजी। श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास आश्रम स्वीकार किया, उन्होंने सन्यास लिया था 24 साल के उम्र में, उन्होंने सन्यास ले लिया। 48 साल इस संसार में रहे और 24 साल के आयु में उन्होंने सन्यास आश्रम लेकर जब वो पूरी धाम में पधारे, उनके हृदय में एक भाव आया कि मुझे संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं, तीर्थ हैं, उनका मुझे दर्शन करना है। उसका कारण क्या है? विभिन्न स्थानों के अंदर जो उनके भक्त विद्यमान हैं, उन लोगों के ऊपर उन्होंने कृपा करना है। उसी क्रम में जब वो अलग अलग तीर्थों का दर्शन करते हुए श्रीरंग क्षेत्र पहुंचे, तब चातुर्मास्य आरंभ हुआ था। अब चौमासा के अंदर पूर्व काल में जितने भी संन्यास आश्रम के जो महात्मा होते हैं वो लोग यात्रा नहीं किया करते थे, मतलब साधु लोग चौमासा में कहीं नहीं जाते, ऐसा पूर्व में ऐसा होता था। तो वो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम के अंदर कावेरी नदी के पावन तट पे जाकर के यही वेंकट भट्ट के यहाँ पर अतिथि बन करके वास करने लगे हैं। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत छोटे से बच्चे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन उस समय उनको प्राप्त हुआ है, उनका सेवा प्राप्त हुआ है, उनका प्रसाद जो है उच्छिष्ट प्रसाद वो भी उनको प्राप्त हुआ। 4 महीना वो वहीं पर रहे हैं।
महाप्रभु अपने हृदय से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी को प्रकट करके वहां पर उनकी सेवा करते हुए चातुर्मासी वहीं पे व्यतीत किया। किसके लिए किया? यही अपने गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर कृपा करने के लिए। ऐसा है, जहां भक्त होगा भगवान स्वयं वहां पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त उनका है और सेवा का मौका भी देते हैं। और वहां से जो आ जाते हैं, क्या उपदेश देके आ रहे हैं? तुम विवाह नहीं करना, विवाह नहीं करना। क्या करना है? अपने माता पिता का सेवा करना। और जब माता पिता दोनों इस संसार को त्याग देंगे तब तुम वृंदावन आ जाना। जब तक माता पिता है उनका सेवा करना, जब वो नहीं रहेंगे तुम वृंदावन आ जाना। आके वहां पर रह के भजन करना। उन्हीं के वंश के अंदर प्रबोधानंद सरस्वती, उन्हीं के वंश के अंदर जो कि रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं, उन्होंने लेकिन संन्यास आश्रम में प्रवेश किया था। उनका नाम था श्री प्रबोधानंद सरस्वती। उनसे उन्होंने कृष्ण मंत्र को प्राप्त किया था। भगवान का नाम को ले स्वीकार करके पाकर भगवान का सेवा किया करते थे और सब समय श्री चैतन्य महाप्रभु का चिंतन किया करते थे। और समय आ गया जब उनके माता पिता शरीर छोड़ दिया तो उन्होंने वहां से निकलकर वृंदावन में आ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, इच्छा से वो क्या किया, रूप सनातन गोस्वामी ने उनको संभाल लिया। अब ये वृंदावन में रह के भजन कर रहे हैं। करते करते जब गंडकी नदी के पास गए, गंडकी नदी वहां पर से शालिग्राम शिला को लेकर के आए अपने साथ। 12 शालिग्राम थे उनके पास। उनका रोज नियम से सेवा करते हैं, सबसे छोटे हैं इसीलिए सभी उनको बहुत प्यार भी करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर इतना प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने क्या किया, अपने कौपिन को लेकर उनके लिए भिजवा दिया। शंकराचार्य जी कहते हैं कौपीन वंता खलु भाग्यवंता। सबसे भाग्यशाली कौन है? वो नहीं है जिसके बहुत सारे संपत्ति है, मकान है, दुकान है, बच्चे है, ये है वो है, ना। कौन बोले? शंकराचार्य जी बोले कौपीन वंता, जो जिसके पास कौपीन है। मतलब कौन है? जो वैरागी है वही परम सौभाग्यशाली है। जो विरक्त है उससे भाग्यशाली और कोई नहीं है। और वो विरक्त भी ऐसे हो जो कि भगवान के चरणों में समर्पित हो, तो फिर कहना ही क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस विरक्ति सूचक अपने वस्त्र को उनको प्रदान किया है। और उसके बाद जिस पे वो बैठते थे वो आसन भी उन्होंने उनके लिए भेजा। ऐसा तो हमें क्या है, इनके जीवन में एक विशेष घटना घटता है। वो क्या है? ये शालिग्राम शिला का सेवा करते हैं रोज।
सेवा करते करते एक समय उस वृंदावन के अंदर एक धनी व्यक्ति आता है और वो सभी मंदिरों के अंदर जितने भी विग्रह है उन सबको सेवा भेज रहा है, दे रहा है, ताकि विग्रह का श्रृंगार आभूषण ये वो सारा कुछ मुकुट सारा कुछ लाके दे रहा। जब वो इस मंदिर में भी आया, इनके पास भी आया, आकर उनसे पूछता है कि मैं सेवा करना चाहता हूं विग्रह का, अगर कोई सेवा हो आप आज्ञा करें। आज तक गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में नहीं आया कि मेरे पास विग्रह होना चाहिए, मूर्ति होना चाहिए, लेकिन जब उस ये वो व्यक्ति ये बात बोल के चला गया तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में एक भाव आया। वो क्या है? काश मेरे पास विग्रह होता, मैं उनका बहुत सुंदर श्रृंगार करके सेवा करता। वो तो बोलने वाला बोल के चला गया, वो कौन है क्या है वो भगवान जाने, लेकिन वो एक बात को अंदर ओ करके चला गया, इशारा करके चला गया। तो इनके मन में एक सोच आया, काश मेरे पास विग्रह रूप में होता तो मैं उनका बड़ा सुंदर श्रृंगार करता। ये सोच के चले गए अपने स्थान पर, सो गए। अगले दिन सुबह उठ के मंदिर खोलते हैं, 12 शालिग्राम में से एक शालिग्राम के बीच में से राधा रमन जी का विग्रह प्रकट हो जाता है। वृंदावन में मंदिर है राधा रमन जी का मंदिर, नाम सुना? राधा रमन घेरा भी है पूरा और उसके अंदर राधा रमन जी का मंदिर है। इतने छोटे से विग्रह है वो, बिल्कुल इतने छोटे से, ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल इतना ही है। इतना दूर से ध्यान से देखना पड़ता है, फोटो वगैरह आ जाते हैं इसीलिए लोग आराम से देख पाते हैं, नहीं तो साइड में टीवी होता है उसके स्क्रीन में भी दिखता रहता है, क्योंकि दूर में रहता है, उतनी दूर में। इतना छोटा सा विग्रह कहां से आ गया? बोलते हैं वो शालिग्राम के बीच में से निकल के आ गया। विशेषता है, उन्होंने भगवान से नहीं कहा कि तुम जो है मूर्ति बनो। एक सोच आया मन में, भक्त का सोच को भी साकार कर देते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि वो भक्त है, उनके आश्रित है। इसीलिए हम लोग यहां पर ये जो आत्मसमर्पण की बात हम लोग यहां पर चिंता कर रहे हैं कि मैं आपका कृपा चाहता हूं, मैं आपका सहारा चाहता हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में हमेशा बने रहे। उसका कारण क्या है? यही कारण है, भगवान जिसके जीवन में होते हैं उसको भगवान को कुछ बोलना नहीं पड़ता कि मेरे लिए आप ये कीजिए, ऐसा उसको बोलना ही नहीं पड़ता, आप मेरे लिए ये कार्य कर दीजिए। तुम्हारे मन में जो भाव होगा भगवान उसको साकार रूप में ला देते। इसलिए बोला नारद गोस्वामी ने, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। यहां तो भाषितम भी नहीं है, अगर उनका भृत्य ने कोई शब्द उच्चारण किया है उसको वो पूरा कर देते हैं। उनके भृत्य हैं, भृत्य कौन है? उनका अपना जो जन है, उनका शरणागत, उनका भक्त, उसके मन में एक विचार आने की देरी है उसको पूरा करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। वो घटना श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन में मूर्तिमान रूप से दिखलाई देता है और इतने सुंदर स्वरूप में प्रकट हुए हैं वृंदावन के अंदर। सबसे सुंदर विग्रह श्री राधा रमन जी का ही विग्रह है, ऐसा दांत भी दिखलाई देता है, छोटे छोटे बिल्कुल।
कोई भी विग्रह इतना सुंदर नहीं है ऐसा तो कह नहीं सकते, लेकिन लोगों को नहीं समझ आता इसीलिए बोले। इतना अद्भुत रूप है, हर विग्रह भगवान का सुंदर है, और उस अति सुंदर स्वरूप में श्री राधा रमन जी का जो स्वरूप है अत्यंत सुंदर स्वरूप है, ऐसा ये विशेषता है। और वो बोलने पे नहीं आए, अपने आप ही आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में सौंप दिया है। उनका मेरा बोल करके कोई चीज को उन्होंने वहां पर रखा नहीं, हर तरह की नीति को छोड़कर केवल प्रीति को ही मुख्य रखते हुए सेवा किया। नीति मतलब एक नियम, इस नियम से ऐसे 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 करना है बस। वो उस नियम से बाहर कोई भी चीज को करेगा ही नहीं, लेकिन जो प्रीति है प्रेम जहां है वहां कोई नियम नहीं होता है। प्रेम जहां पर होता है वहां हर नियम से बाहर जाके सेवा होता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी हर नियम से ऊपर उठकर भगवान की सेवा को ही गुरुत्व देते हुए उन्हीं के लिए हमेशा तड़पते रहे हैं। उसी का ये परिणाम है कि शालिग्राम शिला के बीच में से राधा रमन लाल जी प्रकट हुए। ऐसा ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी है, ये उनकी विशेष लीला है वृंदावन का। आज उनका आविर्भाव तिथि है, आज वो प्रकट हुए। कैसे हो गया ये वही हम लोग यहां पर सीख रहे हैं इतने दिन से। शरणागति, सेवा, सेवा और शरणागति, इसी से कृपा होता है, अन्यथा कृपा कभी भी होने की संभावना ही नहीं है। ऐसा कई लोग सेवा करते हैं लेकिन शरणागत नहीं होते, और कई लोग अपने आप को शरणागत समझते हैं लेकिन सेवा नहीं करते। बिना सेवा का कोई शरणागति हो ही नहीं सकता। ऐसा शरणागति के बिना सेवा हो सकता है, लेकिन वो सेवा व्यक्ति को पुण्य देगा, भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। ऐसा बहुत लोग जैसे मंदिरों में इधर उधर सब जगह सेवाएं करते रहते हैं, उससे क्या है वो दान का जो फल होता है जिससे कि पुण्य मिलता है वही उन लोगों के जीवन में उनको मिलने वाला है। लेकिन जो शरणागत व्यक्ति होता है वो व्यक्ति भगवान के कृपा को प्राप्त करता है। कैसी कृपा को प्राप्त करता है? मन में जो इच्छा होता है, जो सोच होता है, उसको भगवान पूर्ण कर देते हैं। ऐसी लीला गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन में देखने में मिला। एक और आचार्य हुए हैं इनके ही पूर्व, उनका नाम था श्री माधवेंद्रपुरी। नाम सुना ना, गोविंद कुंड में उनका स्थान था। ये माधवेंद्रपुरी जी जो है उन्होंने सिर्फ मन में इच्छा किया, किसी को बोला नहीं, मन में इच्छा था कि काश वो खीर थोड़ा सा मुझे मिल जाए, मैं उसको टेस्ट करूं और मैं अपने ठाकुर जी को ऐसे ही बनाऊं। खीर है, अब स्वाद ही नहीं देखेगा तो पता कैसे चलेगा कि बना कैसे, चावल से बना है, सूजी से बना है, कि क्या डाल के बना है, केसर डाल के बना है, वो खाने से ही पता चलता। इसलिए उनके मन में आया कि थोड़ा सा स्वाद देखने को मिल जाए, मैं क्या करूंगा, मेरे ठाकुर जी के लिए बना दूंगा। बोला नहीं किसी को, मन के अंदर विचार था, भगवान ने पूरा कर दिया, खीरचोरा गोपीनाथ बन गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में विचार था, भगवान ने पूरा कर दिया। प्रहलाद महाराज ने इस मुख से बोला था, भगवान ने साथ साथ पूरा कर दिया। यही विशेषता है, भक्त इच्छा करे भगवान उसको पूरा कर देते। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान में भक्तिमान है और भगवान भक्त में भक्तिमान है।
इक्वल रेसिप्रोकेशन है। उसके अतिरिक्त या यूं कहें कि भक्त भगवान के प्रति जितना समर्पित होता है रेसिप्रोकेशन में, भगवान उससे कई गुना अधिक अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो अनंत है। इसलिए उनका अभिव्यक्ति जो है वो सीमित नहीं हो सकता, उनका अभिव्यक्ति जो है वो सीमित नहीं हो सकता। ये परिमित हो गया, इतने तक का लिमिट हो गया है, ऐसा नहीं होता है। भगवान जब एक्सप्रेस करते हैं खुद को, वो भी अनंत ही होता है, ऐसा विशेषता है। आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव तिथि है, वैष्णवों का आविर्भाव और उनका तिरोभाव हमारे लिए परम मंगल विधान करने वाला साधन है, क्योंकि भगवान खुश होते हैं। जैसे आपके बच्चे का जन्मदिन हो, आपको अपने आप खुशी होगा। आपके बच्चे का शादी हो, आपको अपने आप खुशी होगा, है ना। कोई कोई होता है घर के अंदर के खुशी में जो है उदास बैठा रहता है, और लोगों को वो अच्छा भी नहीं लगता है। घर में है भाई, फंक्शन है, कुछ चल रहा है, तो एक खुशी का माहौल होता है। ऐसे ही ये स्वाभाविकता है। उसका कारण क्या है? हमारा उसके साथ संबंध। मेरा बच्चा है, मेरा पत्नी है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पति, मेरा वो। ऐसे भगवान का भी भक्त के साथ संबंध है। मेरा भक्त है, मेरा बोल करके जब आ जाता है, उसके साथ जुड़ी हुई हर क्रिया में भगवान खुश होते हैं। इसीलिए अगर वो लोग जन्म लेते हैं तो भगवान खुश होते हैं, वो लोग इस संसार को छोड़ देते तो भगवान खुश होते हैं। क्यों? इस संसार को छोड़ दिया मतलब वो भगवान के पास चला गया। ये संसार में आया तो भगवान खुश होते हैं। क्यों? मेरे सेवा करने के लिए वो संसार में गया है। और मेरे से विमुख जो लोग हैं, जो मेरा सेवा नहीं करना चाहते, उनको मेरे तक लाने के लिए गया है। इसीलिए बोलते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक सुंदर कीर्तन लिखा, उसके अंदर बोलते हैं, एमोम दुर्मति संसार भीतरे पड़िया या छीनुआमी। हे मन, तुम्हारा ऐसा मति ऐसा बेकार हो गया, तुमको पता नहीं चल रहा तुम इस संसार में पड़े हुए हो। ऐसा तो तव निज जन कौन महाजने पठाइया दिले तुम्ही। ये तुम्ही कौन है? भगवान, प्रभु आप। क्या किया आपने? कृपा करके तब निजन, आपके जो नित्य सेवक है, महापुरुष जो है, कोई महाजन जो है, उनको आपने नीचे भेज दिया। आज जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रकट हुए हैं, ऐसा जो भगवान ने थियरी दिया शास्त्र में, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके जो जगत के आगे जो एक रिजल्ट दिखाने के कार्य होता है, उसके लिए भक्त लोगों का अवतरण होता है। भगवान तो बोल दिया जी, अब बोली हुई बात को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए क्या होता है? भक्त लोगों का आगमन होता है। ये विशेषता है। भगवान का थियरी है तो भक्त का प्रैक्टिकल है। ये दोनों जब एक साथ में प्रेजेंट किया जाता है, वही थीसिस है। और जो उसको फॉलो करेगा, वो थियरी को या प्रैक्टिकल को, वो आदमी यहां से किनारा लग जाएगा। ऐसा इसलिए बोल रहे तब निजजन, आपके किसी निजजन को, महापुरुष को आपने हमारे पास भेजा है। और वो क्या कर रहे हैं? दया करी मोरे पतित देखिया, मुझ पे देखा, दया आ गया उनको देखकर। किस लिए दया है? क्योंकि मैं एक पतित जीव हूं। पतित क्यों बोलते? जैसे हमने कल परसों भी विचार किया, सब कुछ करके भी भगवत आराधना ना करने से वो व्यक्ति पतित ही है।
ऐसा वो व्यक्ति पतित है, इसलिए बोल रहे दया करी मोरे पतित देखिया कही लो अमार्गी। मेरे पास आके बोलने लगे, क्या बोलने लगे, ओ हे दीनजन, हे पतित आत्मा, तुम ध्यान से सुन, सुनो भालो कथा, अच्छी बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। ऐसे आकर के बोल रहे, जब भक्त इतना कष्ट उठाकर भगवान की दिव्य कथा को परिवेशन करता है, भगवान उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, ये विशेषता है। इसीलिए भक्त के जो लक्षण होते हैं उसमें क्या है, कारुणिक। कारुणिक किस लिए है, क्योंकि वो जो बात बोलता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। वो क्या बोल रहा है, ये संसार के भोगों को छोड़कर भगवान के शरण में आओ, वो अच्छा नहीं लगता है, कैसे छोड़ दे। लेकिन भक्त करुणामय होने के कारण, कारुणिक होने के कारण वो क्या कर रहा है, सहन करते हुए उन लोगों के साथ में बार बार उनको समझाता रहता है। नहीं तो एक आध बार बोला तुम वहां बिजली में हाथ डालेगा मरेगा, बोल दिया, वो नहीं सुन रहा है, बोलेगा मर। लेकिन भक्त ऐसा नहीं होता, उसको जबरदस्ती करके समझा के उसको वहां से बाहर लाने का प्रयास करता है, जिससे उसको वो बिजली का झटका ना लगे। ऐसा भगवान देखते हैं, ये सब मेरा संतान है, दुनिया के अंदर जितने भी जीव है ये सब तो मेरा संतान, मुझे छोड़कर मेरे से विमुख होकर इस संसार में दुख पा रहे हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं कि तुम मेरे शरण में आओ, वो आने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए क्या कर रहे हैं, मेरे जो भक्त है, मुझे प्रेम करने वाले, मेरे बिहेफ पे वहां जाकर, मेरे रिप्रेजेंटेटिव बन के, मेरे प्रतिनिधि बन के वहां पर जाके उस संसार के गर्त में पड़े हुए जीवों को, जो कि इस संसार से निकलना ही नहीं चाहते, पकड़ पकड़ के लेकर के बाहर आते हैं। इसीलिए भगवान का अपने भक्तों के प्रति आसक्ति जो है ज्यादा प्रबल रहता है। इसीलिए ऐसे भक्त जब संसार में अवतीर्ण होते हैं तो भगवान खुश होते हैं। ऐसा हमें नहीं मालूम होता, कईयों को मालूम नहीं होता कि भक्त का किसी का जन्मदिन है। इस संसार का आदमी होगा, उसका संबंध सिर्फ एक परिवार तक है, एक समाज तक है, या ज्यादा से ज्यादा एक देश तक है। लेकिन जो भक्त होगा उसका संबंध परिवार, समाज और देश तक सीमित नहीं होता, ना ही इस ब्रह्मांड तक, उसका संबंध भगवान के साथ में होता है। भगवान अनंत ब्रह्मांडों का, सृष्टि स्थित लय हर चीज का मूल कारण है। इसीलिए जो जैसे भगवान का जो अस्तित्व, भगवान का जो प्रेम, भगवान का कृपा, वो क्या है, वो सीमित नहीं है, असीम है, अनंत है। ऐसे ही भगवान के जो प्रियजन होते हैं उनका कृपा भी होता है। इसीलिए भगवान के भक्त जो नेशनल इंटरनेशनल साधु नहीं होते, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऐसा नहीं होता, ये ब्रह्मांडीय ये सब नहीं होते। वो कौन होते हैं, भगवान के दास होते हैं, भगवान के होते हैं। वो इन सब उपाधियों से परे अवस्था में रहते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं वो लोगों का आगमन से सबसे ज्यादा खुशी भगवान को होता है, ये विशेषता। आज इसीलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रकट हुए, बहुत सारे ग्रंथों का रचना किया उन्होंने, बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत सारी शिक्षा दिया, बहुत सारे असंख्य लोगों को भगवान के साथ में जोड़ा। उनके लिए प्रकट हुआ राधा रमन आज भी वृंदावन में है, और असंख्य भक्त राधा रमन जी के प्रति आसक्त होकर, बहुत सारे व्यसनों को छोड़कर
भगवान की भजन करते हुए आराधना करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर रहे, ये सारा श्रेय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को ही जाता है, ये विशेषता है। और दूसरा, जब भक्ति संसार को छोड़ के चला जाता है तो भगवान को बड़ा प्रसन्नता होता है। क्यों? अब ये मेरे पास वापस आ रहा है, ये मेरा प्रीतम है, ये मैं इतना समय वहां पे रहा, अब ये मेरे पास वापस में आ रहा है, वो भी भगवान को बड़ा सुख देता है। ये दिन भगवान सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। लोग क्या करते हैं, शादी वगैरह होता है, नोट ऐसे ऐसे घुमा करके वो ढोल पीटने वाले को, इसको उसको फलाने को, सबको बांटते रहते हैं, क्यों खुश होते हैं। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों के तिथि में इतने खुश होते हैं कि भगवान इस संसार के ऊपर उस दिन विशेष रूप से कृपा कर देते हैं। जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ऐसे ऐसे जो दिन होते हैं, जेल में जिसका सजा हो गया होता है, है ना, बहुत सजा हो गया उसको, पनिशमेंट दे दिया, लेकिन उसका अगर कंडक्ट अच्छा है, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जो दिन होते हैं उनमें वो लोग स्पेशल उनको रिकमेंड करते हैं ताकि उनकी सजा कम हो और वो लोग यहाँ से निकल जाए, जेल से निकल जाए, ऐसा होता है। ये भी ऐसा है, संसार कारागार में पढ़कर जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि त्रिताप दुखों में फंसे हुए जो जीव है, वो लोग बहुत दुखी है। इसीलिए जब देखते हैं इसमें से बाहर निकलने की इच्छा से, जब ये लोगों का कंडक्ट जो है भक्त के अनुकूल होता है, तो भक्त के आविर्भाव और तिरोभाव के दिन भगवान कृपा करके उनके ऊपर अनुग्रहित कर देते हैं कि चल मेरे भक्त के नाम पे मैं तुम्हारा मंगल कर दूंगा। उसको नहीं पता होता है क्योंकि बदजीव है, लेकिन भगवान का कृपा उसके ऊपर हो गया। वो कैसे पता चलता है कि हमारे पे भगवान का कृपा हो गया? वो बोलते हैं भगवान का कृपा जिस समय हुआ उसी समय उसके जीवन में महापुरुषों का आगमन होता है, क्योंकि भगवान का कृपा जो है वही गुरु रूप में आता है, संत के रूप में आता है। भगवान ने जैसे हाथ आगे किया, चल पकड़ मेरा हाथ, या मेरे पास मैं आ रहा हूं तुम्हें पकड़ने के लिए, वो जो कृपा का जो रूप है वो क्या है, वो भगवान का भक्त है। हमारे जीवन में अगर कोई निस्वार्थ व्यक्ति का आगमन हुआ है जो हमसे कुछ ना चाहता हो, केवल भगवान को ही चाहता हो, मतलब समझना है कि हम पर वास्तविकता में भगवान का कृपा हो गया है। इसीलिए बोला दया, क्या बोलते हैं, तव निज जन कौन महाजने पठाई आदि ले तुम्हें, मैं तो इस संसार में पड़ा, आपको दया आ गया मुझ पे, इसलिए आपने अपने भक्त को मेरे जीवन में भेज दिया। और वो भक्त का कृपा हमको भगवान के साथ हमेशा ऐसा जोड़ के रख देगा, वो हमें भगवान से दूर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान कृपा कर रहे हैं, उस रूप से कर रहे हैं। ये विशेषता है। आज उसी क्रम में श्री श्रीनिवास आचार्य के शिष्य श्रीनिवास आचार्य भी वृंदावन के अंदर जीव गोस्वामी के अंतर्गत, जीव गोस्वामी विश्व वैष्णव राजसभा के अध्यक्ष रहे हैं आज से 500 वर्ष पूर्व, और वही जीव गोस्वामी के जो मुख्य शिष्य थे श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद, ये तीनों में से जो श्रीनिवास आचार्य जो रहे हैं उनका शिष्य है श्री रामचंद्र कविराज। कैसे, किस तरह का उनका वैराग्य है। श्रीनिवास आचार्य बैठकर भजन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, नरोत्तम ठाकुर भी थे, और उसी समय रामचंद्र कविराज का शादी हो गया, और इतना सुंदर गोरा लंबा चौड़ा शरीर, बड़ा सुंदर दिखाई देते हैं,
विवाह करके उस पालकी के अंदर पत्नी को लेकर अपने घर जा रहे हैं। अभी लोग जा रहे हैं, उस लड़के को उनके गुरुजी ने देख लिया। देख के उनके मन में एक ही बात आया, इतना अच्छा बच्चा, इतना सुंदर बच्चा, भगवान के शरण में आया होता कितना अच्छा होता, अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया होता कितना अच्छा होता। सिर्फ इतना सा बात उन्होंने उनके मुख से निकला और पालकी में बैठे हुए इस बालक ने वो शब्द को सुन लिया, घर गया और वहां से सीधा भाग के श्रीनिवास आचार्य के पास आया और उनके चरणों में गिर गया। गिर के बोलते हैं, और मैं घर नहीं जाऊंगा। बोलते नहीं जा, घर ले जाके स्त्री को वहां रखा और इतना वैराग्य उनके अंदर आ गया। वो क्या करते हैं, घर बार सारा कुछ छोड़कर उनके शरण में आ चुके हैं। बोलते हैं मर्कट वैराग्य ज्यादा खराब होता है। वैराग्य जो है मर्कट वैराग्य होता है। मर्कट वैराग्य मतलब श्मशान वैराग्य की तरह। हम लोगों को बहुत लोग बोलते हैं, मान लो कोई मर गया, आप कुछ बोलने का कोशिश करो उससे पहले ही वो आपको ज्ञान देने लगता है। क्या रखा महाराज जी, संसार में तो सब खत्म हो ही जाना, सब तो एक दिन तो खत्म हो जाना, कुछ तो साथ जाएगा नहीं। अरे ये बात तुमको अगर इतना स्पष्ट पता है तो पागलों की तरह दिन रात क्यों लगे हो भाई, छोड़ो उसको। जब कुछ जाना ही नहीं है, सब तो खत्म हो ही जाना है, तो चल भजन में लगो। लेकिन ना, वो सिर्फ वर्बल होता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे बोलने वाली बातों का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। ये विशेषता है, ये जो वैराग्य है, ये बंदर जैसा वैराग्य, श्मशान वैराग्य है, वो ठीक नहीं होता। वैराग्य कैसे होना चाहिए, वो ऐसे वैराग्य नहीं होना चाहिए जैसे बंदर का होता है। उसका ना अपना घर होता है, ना उसके कपड़े होते हैं, ना कुछ होता है। कभी इस पेड़ में, कभी उस पेड़ में, कभी इधर कभी उधर छलांग लगाता रहता है, लेकिन हिंसा बड़ा भयंकर तरीका से करता है। आदमी को बेचारे को दिखता नहीं है, चश्मा पहन के जाएगा, वो झट से आएगा, कब लेके भाग जाएगा पता ही नहीं चले। उत्पात, बोलते ऐसा वैराग्य ठीक नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या, इनका वैराग्य ऐसी वैराग्य नहीं है। ये वैराग्य जो है ये उक्त वैराग्य है। उक्त वैराग्य क्या होता है, भगवान की सेवा के लिए जो जरूरत है वो सब ग्रहण करना। इसीलिए उनके ऐसे वैराग्य है कि गुरु सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए क्या चाहिए उसको ग्रहण करना, जो नहीं चाहिए उसको त्याग करना। ऐसा, इसीलिए उन्होंने देखा कि गुरुदेव का ये इच्छा है, उसी समय आके उनके शरण में आके गिर गए। इतने सरल, इतने सीधे भक्त हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। श्री रामचंद्र कविराज बड़े सुंदर कीर्तन करते करते अपने गुरुजनों को रिझाते थे हमेशा। किसके लिए कीर्तन गा रहे हैं, बोलते गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं। इतने सरल सीधे वैष्णव हैं जो उनके गुरु लगते हैं, रिश्ते में चाचा गुरु की तरह लगते हैं। जो श्री नरोत्तम ठाकुर वो अपने कीर्तन के अंदर बतला रहे हैं, क्या बोलते हैं, दया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास,
मतलब श्रीनिवास आचार्य जो है उनसे प्रार्थना करें आप मुझ पर दया कीजिए। क्या दया, क्या चाहिए, दया में क्या चाहिए? बोलते रामचंद्र संग मांगे। ये रामचंद्र कविराज जो है, जो आपका शिष्य है, उसका संग की मैं हमेशा कामना करता हूं। गुरु जहां पर शिष्य के संग करना चाहे, हमेशा क्या होता है, शिष्य गुरु का संग चाहता है कि मुझे गुरुदेव का संग मिले। लेकिन यहां पर गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं अपने उस शिष्य का, उसका हमेशा संग करना चाहता हूं। ऐसा अद्भुत आचरण उनका रहा है, ऐसी दया का भाव, ऐसी कृपा का भाव। उनका भाई है जिनका नाम है गोविंद कविराज, ये रामचंद्र कविराज है, उनका भाई का नाम श्री गोविंद कविराज। वो माता के भक्त रहे और ये अक्सर उनको मिलने जाया करते थे। ये भगवान के बारे में बोलते हैं, वो माता के बारे में बोलते हैं। अभी एक समय आया, गोविंद कविराज उनका शरीर कमजोर हो गया और वो बीमार हो गए। अब वो भयभीत हो गए कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला। जब ये डर गए हैं तो उन्होंने माता को याद किया जिनकी वो आराधना करते थे। तो माता वहां प्रकट हुई, होके पूछती है क्या चाहिए। बोलते मुझे डर लग रहा है, आप मुझे कृपा कीजिए। तो माता गोविंद कविराज को कहती है तुम्हारा मंगल होगा, तुम भगवान की भजन करो। बोलते मैंने तो कभी किया नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, स्वयं माता कह रही है। तो इन्होंने अपने भाई को बुलाया, श्री रामचंद्र कविराज को, ये बोलकर कि मैं चलने की स्थिति में नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मैं तो बिस्तर पे पड़ा हुआ हूं, कब मर जाऊंगा पता नहीं, मुझ पर कृपा करो। तब रामचंद्र कविराज ने नरोत्तम ठाकुर को प्रार्थना किया कि आप कृपा करके क्या करिएगा, भागवत का पाठ अगर वहां पर करेंगे तो उसका भला हो जाएगा। नरोत्तम ठाकुर भक्त का ही विशेषता है, भक्त कभी भी अकड़ते नहीं है, भक्त के अंदर हमेशा दीनता रहता है, विनम्रता रहता है। वैष्णवता मतलब सरलता, वैष्णवता के अंदर विनम्रता रहता है, वो एहसान नहीं करता किसी पे, वो प्रार्थना करता है भगवान से, प्रार्थना करता है भक्तों से, उनका प्रार्थना कोई कृपा समझना पड़ता है, वो एहसान नहीं करता। इसलिए नरोत्तम ठाकुर ने बड़े ही विनम्रता के साथ में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हुए श्रीनिवास आचार्य से निवेदन किया, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य भागवत जी का पाठ बड़ा सुंदर तरीका से करते हैं। वो जब भागवत कथा बोलते हैं, एक वीरभूम नाम के स्थान में एक राजा हुआ करते थे, उसका नाम था, क्या नाम है उसका, एक राजा हुआ करता था पश्चिम बंगाल के अंदर। वो डाकू था, अपने ही देश के लोगों को लूटता था, दिन में राजा की तरह रहता था, रात को लोगों को लूटता था अपने ही देश में। वो राजा इनकी कथा सुनकर, इनके भागवत को सुनकर उसका जीवन बदल गया और वो उनका शिष्य बन गया। ऐसी विशेषता है, क्यों, जहां पर प्रेम होता है, भगवान के प्रति भक्ति होता है, वहां शब्द के अंदर भगवान स्वयं आ जाते हैं, वहां पर शब्द में भगवान आ जाते हैं। इस कारण से उन्होंने क्या किया, उनकी कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आ जाता है। इसलिए यहां पर आके जब गोविंद कविराज के सामने बैठकर कथा बोल रहे हैं,
कथा सुनते 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 उसका हृदय परिवर्तन इस प्रकार से हो गया कि वो भगवान का भक्त बन गया। बड़ा सुंदर कीर्तन का रचना किया था उसके बाद उन्होंने। एक किसके कारण हुआ है? बोलते रामचंद्र कविराज के कारण हुआ है। रामचंद्र के कविराज के संबंध से ही श्रीनिवास आचार्य वहां पर जाके उसके ऊपर कृपा किए। ये विशेषता है। आज उनका अभी तिरोभाव तिथि है, संसार को छोड़ने का दिन है। वो इतने बड़े भक्त कैसे बने हैं? आत्मसमर्पण के कारण ही बने हैं। जब तक व्यक्ति आत्मसमर्पण नहीं करेगा, अपने आप को उनके पाद पद्मों में समर्पित नहीं करेगा, तब तक वो व्यक्ति कभी भी इस संसार से अपना उद्धार नहीं कर सकता है। भगवान हमारे ना गुण देखते हैं, भगवान ना हमारे अवगुण देखते हैं, भगवान ना हमारा वैभव देखते हैं, कुछ नहीं देखते। अगर भगवान वैभव ही देखते तो दुर्योधन का वैभव को देखकर भगवान दुर्योधन पे कृपा कर देना था, उसका पक्ष ले लेना था। भगवान कुछ भी नहीं देखते। क्या देखते हैं? हमारी शरणागति को देखते हैं कि हम कितने शरणागत हैं। ऐसे शरणागत समर्पित जो आचार्य गण हैं, उनका कृपा ही हम लोगों का परम मंगल करने वाला है, उनका कृपा ही हम लोगों का उद्धार करने वाला है। आज उनका आविर्भाव तिरुभाव तिथि है, उनसे हम लोग कृपा प्रार्थना करते हैं। जिस व्रज के अंदर आकर जिस जिस व्रज के अंदर आकर उन्होंने इतनी सेवा की है, उसी व्रज का कृपा हम पर भी हो। हरे कृष्ण।